उठा दो भाई, उठा दो। हेलो, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह खतरनाक होंगे। तो गाइस, अभी मैंने और साहिल ने रील बनाई थी, कल एक रील डाली बहुत सीजन इंस्टाग्राम पे, फॉरनिका इंस्टाग्राम पे फॉलो करना काफी, और सारे सीरियस वाली रील को शेयर एंड लाइक करो। इसने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, कल हमने एटीएम में घुस के रील बनाई है, कल हमने इतना दिमाग जोड़ा। तुम्हारे भाई ने 2 मिनट में कॉन्टेंट लिख दिया, नहीं कॉन्टेंट क्रिएटर। अच्छा ठीक है समरिया, इसने भी हाँ उसने भी बहुत साथ दिया बेचारा, गर्मी में बैठा हुआ था यार, बहुत गर्मी थी, एसी बंद थे यार, वहाँ तो 2 मिनट में पसीने आ गए। तो फिलहाल अभी मैं और आशी जा रहे हैं, घर वाले गायब हैं ऑलरेडी, फरीदाबाद में जा चुके हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, फरीदाबाद में हमारा एक घर है, यू नो। तो ये सीन है, अभी मैं और आशी जा रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ है, तो शायद आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम में पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता, जिसने फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हाँ तो भाई अभी रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, मेट्रो से जाएंगे और वहाँ से आएंगे। मैं तुम्हें कार्ड ले लो। किसका? ठाकुर की लग रहा है मेरे को ये। तो भाई चलते हैं अभी, स्टूडेंट तो साहिल अभी बना रहा है पता नहीं कुछ कोफ्ते, आलू के कोफ्ते। भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो आज इसकी छुट्टी थी तो उसने बोला कुछ बढ़िया खिलाता हूँ, उसने क्या खिला दो किसी और को ना। भाई क्या गोची बना दिया तूने? भाभी के लिए बना रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तो बना क्या क्या डाला है तो बताओ, इंग्रेडिएंट तो बताओ। आलू है, वो तो हमें भी दिख रहे हैं। आलू और आलू मसाला, नून मिर्च, नून मिर्च ओके। और ये क्या है, ये क्या गोची? ये वो है बेसन, बेसन ओके। चलो हो गया, कढ़ाई चढ़ा, बड़ी कढ़ाई लाऊं? नहीं हलवाई वाली लाऊं क्या? नहीं ठीक है। तो इसका नाम है हिमांशु, ये भी सेम कॉलेज में है ना हिमांशु? हाँ भाई। तो एक बार स्टूडेंट्स के चलते घर वाले, अगर साहिल के घर वालों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो देख लो अपने लड़के का हाल, घुमाना वालों। लड़का गुल खिला रहा है, क्या कर रहा है, बेसन घोल रहा है। अरे भाई अच्छी बात है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आगे जाके भी करना काम बाहर गए मेरे। ठीक है, पैर भी दबाएगा? दबाऊंगा भाई, सब करूंगा, करना पड़ेगा। तो भाई इनको बनाने देते हैं, टेस्ट मैं करूंगा आके, जहाँ अपन को जाना था हम वहाँ जाते हैं। Calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy. All of my fuels is blown. अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ हो रहा है, क्योंकि मैं और आशी जा रहे हैं कुछ एक नई चीज़ और लेने, जो कि मतलब हमारे घर वालों को भी नहीं पता, शायद आप लोगों को भी नहीं पता। आपने जो मतलब टाइटल हमने देखा है, उससे हाँ घर में डिस्कशन नहीं करा, कुछ नहीं डिस्कस करा, बस मैं गया हूँ और मैंने पहले ही मतलब बुकिंग अनाउंस सब कर दी है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हो सकता है, हम जा रहे हैं मेट्रो से और बाकी लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और मतलब भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट अभी देखते हैं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं, टाइम लग सकता है चीज़ों में, बट अभी निकल। मेरे को ना एक बार की स्टेबिलिटी बताना कि स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी इसकी कैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा है या नॉर्मल हिल रहा है, क्योंकि पहले जो A73 यूज़ कर रहा था ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, बट मेरे को स्टेबिलिटी बताओ उसमें है या नहीं। So how do you? और कंग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई, देखो मैंने ब्लॉग चालू कर दिया ना, काफी अपनी जो गाड़ी, आंटी कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन और भाई को, भाई को भाई, अरे वाह कंग्रेचुलेशन। तुम्हें बता देता ना मैं तुम्हारे भाई के बारे में। भाई तो ये है, अपन ने गाड़ी ली थार 4x4 मैनुअल 2023
भाई दिल तो धक धक हो रहा है, एकदम खतरनाक सा टाइम ही होता है भाई। गाड़ी ली है भाई ने, मैंने नहीं ली है पहली बता दूं, और इन लोगों ने भाई बहुत हेल्प करी है, थैंक यू सो मच। कम से कम 10 बार भाई ने कपड़ा डाला, कपड़ा उतारा है इन भाइयों ने, मतलब मानना पड़ेगा। और इन लोगों पार्टी, और ये वाली जो थार आई है ये आई है नए वाले लोगों के साथ, ये देखो नए वाले लोगों के साथ, और ब्लैक कलर में बहुत बढ़िया लग रही है, ये देखो मतलब चेक करो। ठीक है, और ये है 4x2, और देखो 4x4 में, 4x2 में लुक में कोई भी मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ लोगों को लगता है चेंज तो कुछ भी नहीं है। और ये भी नए वाले लोगों के साथ है, अगर मैं उसका लोगो दिखाऊं, ये देखो नए वाले लोगों के साथ है। वैसे तो अब ऑप्शन नहीं है, अगर आपको नया वाला लोगो चाहिए तो मतलब जुगाड़ से कुछ पर नया लोगो भी मिल जाता है। और अभी जा रहे हैं हम घर, और ये थी कुछ भाई की गाड़ी की डिलीवरी, और भाई ने बहुत प्यार से बुलाया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जाना, तो भाई जो हमें रिस्पेक्ट देता है हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा दोस्त, आपकी दोस्त का नाम क्या है? और आपका नाम क्या है? अपना नाम तो बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ दिव्यांश। चलो व्लॉग देखना, मैं व्लॉग में ले रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। भैया को बाय बोल दो। और अभी फिलहाल मैं और आशी जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने जा रहे भाई? चाय पिला रहे हैं? पर चाय पार्टी दे रहा है तू, किस खुशी में वैसे? तो भाई चाय पीने का मन कर रहा था हमारा, वैसे देखो घर भी बना सकते हैं हम चाय, बट बाहर की चाय में अलग बात है। तो हम जा रहे हैं हमारे अड्डे पे जहाँ हम चाय पीते हैं। क्या चाय पीते हैं? और मैं और आशी आ गए अपने अड्डे पे। नशा मोमो खिला रहा है? पैसे नहीं, पैसा बहुत है पर देते नहीं है। पैसा बहुत है, घर वाले देते नहीं। क्या खिला रहे हो भैया? क्या खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो? क्या हो गया बताओ? वही वाले मोमो खिला दो, वही वाले। कौन सा वही? तो ये अथॉरिटी बेसिकली यहाँ पे मतलब सारा खाने वाने का मिलता है, और यहाँ पे मोमो मतलब सबसे बढ़िया इसके मोमो लगते हैं। और ये हमारे भाई, क्या हाल है, क्या बना रहे हो? चिकन लेग पीस है। चिकन लेग पीस यार, मैंने ना छोड़ दिया चिकन। क्या हाल है भाई? हीरू क्या क्या बना रहे? कबाब बना रहे हो? ये चिकन सिख कबाब है, और तंदूरी चिकन है, और चिकन टिक्का है, और चिकन विंग्स है। क्या बात है, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, जिंदा मुर्गा छोड़ के सब कुछ। जिंदा मुर्गा छोड़ के सब कुछ, जिंदा मुर्गा छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा, तो सीन ही है। और यहाँ पे ना मतलब आसपास सारे कॉलेज वाले रहते हैं, तो यहाँ पे ना मतलब बहुत रौनक रहती है, सारे कॉलेज वाले आते हैं यहाँ पे। बेसिकली दो कॉलेज हैं, भगत सिंह और CVS, तो उसकी भीड़ है सारी आसपास। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट हैं यहाँ पे। और मैं बस चाय पीने आया हूँ आशी के साथ, क्यों? क्योंकि आज हमने चाय नहीं पी, शाम की चाय नहीं पी। अच्छा, किसने बनाई थी शाम की चाय? मैंने ही तो बनाई थी, तो मतलब शाम मतलब शाम की नहीं होगी, वो दोपहर की होगी। चाय वालों का ये सिस्टम है कि जब मन करे जब चाय पी लो, है ना? तो और भाई ये हाँ, चाय पी के निकलेंगे घर, और घर पे जाके मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तोड़ रहे हैं चिकन मोमो, वेज नहीं ले सकते थे तुम, जानबूझ के चिकन लिया है ना बेटा तूने? नहीं, तेरा आइडिया होगा, है ना? तभी तूने टी शर्ट पे लिखा हुआ है पैसे नहीं दिए, डोंट केयर। पैसे का आइडिया है ना, मोमो वाले भाई भी बोल रहे हैं पैसे नहीं दिए। इसको तल दो इसको यार। सीन ही है ना, मैंने ना अभी मतलब चिकन छोड़ रखा है, हो गए मेरे को 20-25 दिन हो गए और चिकन नहीं खा रहा मैं। मतलब मेरी अपनी चॉइस है वो, मैंने जो चिकन छोड़ा है किसी ने बोला नहीं, मेरे को फोर्स नहीं किया। तो मैं घर, और मुझे पता है कि इस वीडियो से ना कुछ लोग ऑफेंड होने वाले, क्योंकि मैंने नहीं ली ये थार। तो अभी देखो, अभी तो फिलहाल मैं तो मेरी औकात नहीं है लेने की, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई ने मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दी, और भाई ने बहुत प्यार से बुलाया। और देखो भाई, अगर मैंने एक बेट डाल भी दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि आजकल भाई क्या है, YouTube पे ट्रेंड चल गया है कि भाई ये इसने गाड़ी ले ली, उसने गाड़ी ले ली, और भाई वो ले पा रहे हैं उनका जैसे भी है। बट अगर आपको किसी को भी इस वीडियो से बुरा लगा तो देखो सॉरी। तो बट मैंने यार थोड़ा फन के लिए मना कर देते हैं, थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग यार सपोर्ट थोड़ा सा कम दिखा रहे हो। तो मेरे को सजेशन दो कि मेरे को किस तरीके की वीडियोज़ डालनी चाहिए, किस तरीके की वीडियोज़ नहीं डालनी चाहिए, कमेंट आप लोगों के लिए ही है।
सही गलत आप लोग बताओ कि भाई क्या कंटेंट डालो क्या नहीं और किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए। उसके अलावा बहुत तगड़ी तगड़ी क्वालिटी की रील्स आने वाली है जिसके लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अगर आपको किसी भी तरीके की शूट में हेल्प चाहिए तो मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।